नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों, साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए, हमारी जो हर संडे होती है, तो आप हमें डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो हमारे इस पेज के माध्यम से या फिर इस पेज के माध्यम से, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अदानी पावर को छोड़ो, इस पावर सेक्टर के छोटे से पेनी स्टॉक को नजर में रखो। नीचे किसी ने कॉमेंट किया था और कॉमेंट कर देखने के बाद जब थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया तो मैं आपको अपना एक व्यू शेयर कर देता स्टॉक के बारे में कि आपको स्टॉक को क्या करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा स्टॉक के बारे में बतला देना चाहता हूँ। स्टॉक है 3 रुपये से लो था इसका और 44 रुपये का हाई लगाया है, ठीक है। अभी स्टॉक का प्राइस 18 से 19 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी अदानी पावर का तो बाप बन चुका है। किस मामले में? रिटर्न के मामले में। जिन लोगों ने स्टॉक को 3 से 5 रुपये के प्राइस में बाय किया उनका पैसा काफी अच्छा मल्टीप्लाई हुआ है, मानो या ना मानो, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि हमें ये स्टॉक में क्या दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो दिखाता हूं मैं आपको अपना व्यू। ध्यान पूर्वक अंत तक वीडियो देखना, एक बार खुद की स्टडी कर लेना, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बाय सेल करने के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टॉक का नाम इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड है, जो एनएससी में भी कार्य करता है। और आप देख सकते हो आज स्टॉक में डाउनसाइड हमें देखने को मिलता है। इंटरडे में स्टॉक 4% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है और 6 मंथ पे स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है, लेकिन 1 मंथ पे स्टॉक ने मात्र 20% का रिटर्न दिया है। तो आप अगर आप मैक चार्ट स्टॉक का देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा एक वक्त था जब स्टॉक का भाई 2 रुपये ट्रेड करता था, ठीक है। स्टॉक अपने जो हाईज है वहां से, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न कमा के दिया, और ऊपर से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 400% टूट चुका है। कहने का मतलब ये है कि 4 रुपये से अगर आप देखोगे और हाई लगाया है 42 रुपये का, तो अगर आप 50% का टेक्निकल रिट्रेसमेंट निकालते हो तो स्टॉक 50% का रिट्रेसमेंट ले चुका है। तो यहाँ क्या स्टॉक को बाय किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ उसके नंबर्स की तरफ, ठीक है। इसके नंबर्स पहले के फॉलो कर लेते, उससे हमें एक छोटा सा अंदाजा मिल जाता है कि स्टॉक में अभी आप क्या कर सकते हो। तो बेसिकली आप देख सकते हो कंपनी का, जैसा आपको पता है, ठीक है, विंड मिल्स का काम है, एनर्जी से रिलेटेड काम है, ठीक है, जैसे हमारे अदानी पावर भाई साहब का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में, तो 172 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 25 रुपये के आसपास की है, प्राइस अभी 19 रुपये ट्रेड कर रहा है, 44 का हाई है, और कंपनी का आरओसी ठीक ठाक नहीं है, और आरओई भी आप देख सको ठीक ठाक नहीं है, प्लस होल्डिंग 1 रुपये की नहीं है। नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, एंड देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। मतलब ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बाय करना था किस प्राइस में, अगर यहाँ मिलता 3000 के आसपास, क्योंकि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे हिसाब से। मैं आपको अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, जिस स्टॉक में ये लाइन लिखी हो, स्टॉक अगर 1-2 रुपये मिल रहा हो आंखें बंद करके बाय कर लो, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लो, पैसा मल्टीप्लाई होगा। ऐसे मैंने आपको अनगिनत एग्जाम्पल बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिलता है सेल्स कंपनी की 6 करोड़ की हुई है जून में, और दिसंबर में ये सेल्स 4 करोड़ की है, मतलब कंपनी एटलीस्ट सेल्स तो जनरेट कर पा रही है। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो कंपनी को छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है। ईयरली की बात करते हैं तो सेल्स कंपनी की 20 करोड़ की है, प्रॉफिट 1,74,00,000 का है, जो लास्ट ईयर 22 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 6 लाख का प्रॉफिट था, और उससे पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में दोबारा आ रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व आपको देखने को मिलता है लगातार ग्रो हो रहे हैं, साथ में जो कंपनी का डेट है 101 करोड़ से 56 करोड़ हो चुका है, मतलब कंपनी ने काफी बड़ा ऑलमोस्ट 50% का डेट रिड्यूस कर दिया है, जो काफी बड़ी बात है अपने आप में। कैश फ्लो की बात करते हैं 2 करोड़ का कैश है, और शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 45% के आसपास है, ठीक ठाक नंबर है, लेकिन प्रमोटर्स यहाँ पर लगातार अपने हाथ क्यों खींच रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, प्रमोटर्स हाथ खींचा नहीं है, ये देखो यहाँ डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है 4.46, मतलब इन्होंने ये होल्डिंग आई थिंक इन्होंने बाय करी डीआईए, तो कुछ चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, ये होल्डिंग इन्होंने बाय करी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग 49% है, और पब्लिक के अंदर भी बड़े इंडिविजुअल का पैसा भी लगा हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे स्टॉक में क्या नजर आता है, मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, इतने घटिया भी नहीं थे, राइट। अब आता है प्राइस, प्राइस डज मैटर, ठीक है। स्टॉक को कहाँ बाय करना, कैसे बाय करना, वो सब मैटर करता है भाई।
आप स्टॉक को कहाँ बाय किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट पैटर्न स्टॉक का खोल दिया है और मंथली के हिसाब से देखो स्टॉक का RSI काफी हाई है। ठीक है, तो स्टॉक में जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों स्ट्रैटेजी काम करती है, अब आप लोगों की मर्जी आपको फॉलो करना है नहीं करना है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये स्टॉक अभी देख सकते हो अपने जो रेड कैंडल है ये सबको तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहां से एक रेड कैंडल बनाया है, लेकिन लेकिन ध्यान रखना मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जब तक ये स्टॉक मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में अपना रेड कैंडल को नहीं तोड़ता है मंथली में, आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे, डू नॉट बाय दिस पेनी स्टॉक। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है लेकिन काम करती है, और लोगों को सिंपल चीजें पसंद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब तक एक दोबारा से यहाँ रेड कैंडल नहीं बनती है, ठीक है, और रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, स्टॉक को बाय मत करना, और स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा उसी रेड कैंडल का लो। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पज से ट्रेड। ठीक है, अब दिखा देता हूँ आपको रियल एग्जाम्पल, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो बाय एक्टिव होगा 26 रुपए के ऊपर होगा। तो ये हो गया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ट्रेड। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मिल गया और आपको बाइंग प्राइस मिल गया, समझ आ गया। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट डालो और बाय करो, लेकिन बाय कब करना है, 26 के ऊपर। हाँ, इससे पहले अगर रेड बन जाती है तो आप बाय कर लेना। देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर मान के चलो ये हमारे रेड के ऊपर हमें बाय करना है, एक्टिव नहीं हुआ, हमें इसके ऊपर बाय करना है, एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्टिव हुआ, एक थोड़ा बहुत 10-20 पैसे का बफर ले लेना। ठीक है, देखो 4.60 था, 4.70 लगा के नीचे गिर गया। ठीक है, बफर लेना जरूरी होता है, सबको पता है। ठीक है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, 10-20 पैसे का ले लेना, मतलब देखो अगर ये 4 रुपए का शेयर है तो आधा परसेंट तो ले लेना भाई। ठीक है, आधा परसेंट ले ही लेना बाकी। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और देखो फिर ये हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो ये हाई ब्रेक हुआ, ये स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे हाई ब्रेक हुआ स्टॉक ऊपर चले गया। ठीक है, तो ये है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। कभी भी किसी स्टॉक को अगर बाय करना मंथली कैंडल में तो ऐसे करके बाय करा करो, और ध्यान रखना ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी कभी 100% नहीं होती है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसलिए स्टॉप लॉस बताया गया है। तो 10 बाय करोगे तो आपके 6 बार अगर एक्यूरेसी बैठती है, मतलब 6 बार आप सही बैठते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 और 3 का रहता है तो पैसा बनेगा, और यहाँ 1:3 छोड़ो 4 भी मिला देखो। ठीक है, देखो ऊपर गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ आपको करना है तो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना, और ये इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि 10 साल तक होल्ड करना है, 2-3 महीने के लिए होल्ड करोगे पैसा बन जाएगा। ठीक है, पहला सेटअप ये है, दूसरा सेटअप आपको दिखा रहा हूँ, ये है मूविंग एवरेज के माध्यम से। तो इस स्टॉक में मैंने अप्लाई किया 17 पीरियड का मूविंग एवरेज, आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अप्लाई आप इसके वॉल्यूम में भी करना। ठीक है, मैंने वॉल्यूम में भी करा हुआ है 17 पीरियड का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ इस स्टॉक ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग कर दिया मतलब ये स्टॉक यहाँ पर बाय एक्टिव हो चुका है। तो आप चाहो तो स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बुक बाय कर सकते हो, 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है। ये नहीं कि स्टॉप लॉस सिर्फ हलवा हो रखा है कि देने के लिए बता रखा है, यू हैव टू अप्लाई दिस स्टॉप लॉस। 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना, और बाकी ऊपर के टारगेट देखो बता देता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन एरिया है स्टॉक का, इसने फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, सेकंड इसका ये है, तो अगर ये इसके ऊपर दोबारा क्लोज करता है 22 के ऊपर, तो ये स्टॉक आपको 30 और 32 रुपए के टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का वो व्यू था, शॉर्ट टर्म का ये व्यू था, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना, बाकी आप एक बार खुद की स्टडी कर लेना। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज सिर्फ आपको इसी स्टॉक में अप्लाई करना, किसी दूसरे स्टॉक में अप्लाई मत करना। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज में।